नमस्कार। आज इस्कॉन के मंदिर में हूँ, वो भी रियो डी जेनेरियो में, वो भी ब्राज़ील में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि इधर एक मंदिर है और हमारा एक जो संस्कृति है उसको पालन करते हैं इधर। और एवरी सैटरडे इधर जैसे हम लोग अक्षय पात्र करते हैं, इधर आपको अन्नदान भी होता है। इधर अन्नदान करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इधर का प्रैक्टिसेस कैसा है, सो आपको पता चलेगा कि ये मंदिर कैसा है करके। सो देखिए, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा Hoje, especialmente, né, nós não cozinhamos arroz e ervilha, dal, porque hoje é Ekadasi, é um dia que todos os devotos de Krishna observam o jejum de Ekadasi, é um dia que nós não comemos nenhum grão, né? E, então eu prefiro não cozinhar com grãos, com arroz, para distribuir na rua também. Não, eu não me sinto bem distribuir alimentos com grãos hoje. Então nós fazemos uma sopa somente, sem grãos, e aí todos os devotos também podem se alimentar sem nenhum problema. É por isso que hoje, eventualmente, hoje nós não preparamos o arroz e o dal para misturar na sopa. Hoje é somente essa sopa de legumes que vai ser distribuída hoje para os devotos e para todas as pessoas na rua. Tá? Hare Krishna. So, e a nossa logo é? इधर का जो फूड फॉर लाइफ मतलब अक्षय पात्र लोगों का लोग है। और आज मैं आपको एक कुकिंग प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे करते करके। ये पहला हमारा स्वीट पोटैटो है, इसको नीट से क्लीन करना है। क्लीन करके इसको पानी में डालेंगे लास्ट में, क्योंकि अच्छा ही रहना, क्योंकि सबको पकाएंगे ना इसीलिए। और इसको हम फाइनली पानी में डालेंगे। इसके बाद अब हम कैरेट ले रहे हैं, इसको भी नीट से क्लीन करना है। और ये हमारा जिंजर है, इसको भी पानी में अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कुछ चीज़ बाहर कुछ मट्टी मिट्टी भी रहेगा। और इसको नीचे क्लीन करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। देखिए ना कितना अच्छा है। और अब इसको अच्छे से मतलब इतना छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे, क्योंकि ये कुकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। सो बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। सो जितना छोटा रहेगा उतना छोटा से हम करेंगे इसको। और इसको यहाँ बुलाते हैं, इधर हम भी जैसे ज़्यादा ही खाते हैं इसको। सो इधर ज़्यादा ही यहाँ खाते हैं लोग। सो यहाँ को भी नीट से कट करके और पानी में डालेंगे। और आप देख सकते हैं सभी वेजिटेबल्स आप पानी में हैं। और ये टैपियोका, इधर भी टैपियोका भी ज़्यादा ही खाते हैं लोग। सो इसको पहले नीट से क्लीन करके इसको कट करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट है ना इसका वो बहुत ही अलग है। मुझे तो इतना खा के ना मुझे बहुत ही पसंद आता है, और मैं भी रेगुलरली इसको यूज़ करता हूँ अभी। सो इसका नाम है कोलाड ग्रीन, हमारा स्पिनच की और एक और वेराइटी मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। सो इधर इसको सलाद भी करते हैं और कुकिंग में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज हम इसको कुकिंग में यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छे से धो रहे हैं, क्योंकि एक एक बार इसको इसमें ना कुछ थोड़ा मिट्टी भी रहेगा। सो इसीलिए इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। सो देख सकते हैं कितना अच्छे से धो रहे हैं इसको।
उसके बाद इसको भी हमको हम ये जो इसको भी हम नहीं फेंकते हैं, इसको भी एक बहुत अच्छे छोटे छोटे से हम काटेंगे इसको। और इसको भी फाइनली इसको नीट से रोल करके, जितना छोटा होगा तो उतना फाइन फाइन कटिंग बोलते हैं, उतना फाइन से कट करेंगे, क्योंकि ये भी हम फाइनली और जो सूप है ना उसमें डालेंगे इसको। सो जब खाने के वक्त बहुत बड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा। सो हम इस बाद में इसको मिडिल में काटेंगे तो परफेक्टली, मतलब इक्वली एक ही साइज रहेगा। और ये हमारा कैप्सिकम है, इधर ज़्यादा लोग कैप्सिकम नहीं खाते हैं, हम मतलब उनको ही ज़्यादा तीखा बोलते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा कम ही रहेगा, थोड़ा कम ही आज यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे काट रहे हैं। सही, हमारा पम्पकिन है, सब पम्पकिन को भी आप ठीक से काट कर, काट के उसको जो अंदर का जो सीड से वो सब कुछ निकाल के हम फाइनली उसको वॉश करके उसके और एक बोल में डालेंगे। देख सकते कितना कैसे कट कर रहे हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक बोल में डालेंगे। और ये जो कैरेट कटिंग है, इसके लिए एक अलग ही एक छोटा मशीन है और मैनुअल मशीन है, बहुत ही मेरे को सुंदर लगा एक पहले बार जब मैंने देखा था। बहुत ही आसान से आप काट सकते हैं, जितना भी कैरेट हो जो भी हो, काटने में बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। देख सकते कितना जल्दी हो जाएगा, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। और ये हमारा कोरिएंडर, इसको भी अच्छे से वॉश करके और छोटे छोटे से हम काटेंगे इसको भी। देख सकते हैं कैसे काट रहे हैं इसको। अब हम फरोफा प्रिपेयर करेंगे। फरोफा एक टिपिकल ब्राजीलियन फूड है, ये हमारा टापियोका पाउडर से बनाते हैं। पहले हम जिंजर लगाया और इसके बाद हम कैप्सिकम लगाया उसके, और ये हमारा सोप। बहुत लोग इस फरफा को घी भी यूज़ करते हैं, घी के बाद हम टर्मरिक भी ऐड करेंगे क्योंकि वो कलर अच्छा आने के लिए, मगर आज हम लोग टर्मरिक और घी नहीं यूज़ कर रहे हैं।